दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया मल्टी ब्लॉग यादव। आई एम गुड़िया फ्रॉम ग्वालियर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बढ़िया से सबके फेवरेट पंजाबी पनीर छोले, वो भी खट्टे मीठे। तो चलिए, सबसे पहले हमको क्या लेना है। तो मैंने ले लिया ऑनियन, जिसको रफली चॉप किया हुआ है, और उसमें डाल रही हूँ काली मिर्ची और लौंग। और उसके बाद मैंने ढक्कन बंद कर दिया। फिर मेरे को याद आया कि इसमें सौंफ डालनी है, तो आपने इसमें सौंफ भी डालनी है। अगर आप सौंफ खाना पसंद करते हैं तो डाल लीजिए, और मेरे ख्याल से तो आप डाल ही लीजिए, थोड़ा टेस्ट चेंज करना है तो। तो देखिए, मैंने मसाले को अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद ये छोले मैंने बॉईल कर लिए थे, और दो आलू ले लिए हैं मैंने, और ये है पनीर। सबको पता है ये पनीर काय का है। तो बस कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। ऑयल हमारा हो गया है गरम, तो हम कर रहे हैं पनीर को फ्राई। आप चाहें तो पनीर फ्राई ना कीजिए, मैं कर रही हूँ, आपका जैसा मन करे आप वैसा कर लीजिए। तो पनीर हमारे हो गए गोल्डन ब्राउन और मैंने निकाल लिए। फिर ऑयल हमारा हो गया था गरम, उसमें मैंने जीरा डाला। जीरा डालने के बाद मैंने जो मसाला पीसा था वो डाल दिया। मैं तेज पत्ता डालना भूल गई थी, तो ऑयल में आप डाल लें, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और मैंने जो टमाटर कट किए हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और मसाले को भूनेंगे। उसके बाद इसमें मैं डाली हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, उसके बाद कसूरी मेथी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये मेरा फेवरेट है गरम मसाला, और ये है आमचूर पाउडर। आप सारे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। और ये है शक्कर, थोड़ी सी शक्कर, क्योंकि हम छोले खट्टे मीठे बना रहे हैं ना, इसके लिए हमको शक्कर भी डालनी होगी, और शक्कर की जगह आप जैगरी भी डाल सकते हैं। तो देखिए, मसाला भी हमारा भून गया है, तो मैंने डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और आप सारे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। और ये जो छोले थे, उनमें से कुछ छोलों के मैंने निकाल के उनको ऐसे मैश कर लिया था, जिससे जो ग्रेवी है ना हमारी, वो गाढ़ी हो जाएगी। आप सब लोग जानते हो कि थोड़ी सी ग्रेवी रहे गाढ़ी तो अच्छी लगती है। और जो पनीर हमने फ्राई किए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है हमारे मसालों का। तो जो छोले और आलू थे वो भी मैंने मिक्स कर दिए बहुत अच्छे से। आलू अगर आपका मन हो तो डालें, मेरे को थोड़ी ज़्यादा सब्जी बनानी थी इसलिए मैंने एक दो आलू ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग पानी डाल लें। अगर आप थोड़े गाढ़े ग्रेवी चाहिए तो आप पानी थोड़ा कम डालें। मुझे अभी भी थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि थोड़ा पकाना भी पड़ेगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ अपने छोटू मग से। तो बस पानी ऐड हो गया है, और ये इसमें थोड़ा सा ऑयल भी आ गया है। तो अब मैं इसको ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद मैं देखूंगी। तो देखिए कितना अच्छा ग्रेवी का कलर आ रहा है, देखकर तो आ ही रहा होगा मुंह में पानी। तो चलिए, अभी तो आगे प्रोसेस करनी है, उसके बाद पानी लाना। तो बस मैं घुमा रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि कितनी ग्रेवी रखनी है मुझे। आप लोग अपना ध्यान से देख लीजिए कि कैसी ग्रेवी चाहिए। उसके बाद मैंने डाल दिया है फ्रेश हरा धनिया, और धनिया के बगैर तो सब्जी अधूरी रहती है। और मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि इंडक्शन पे कुकिंग करनी है, मैं करती हूँ, लेकिन अभी बीच में थोड़ा बंद कर दी थी, लेकिन आज मैंने फिर से इंडक्शन पर कुकिंग की है। तो सब्जी हमारी बनके हो गई है रेडी, और आप लोग आ जाइए। बस मेरी लास्ट सबकी फेवरेट प्रेजेंटेशन, तो मैंने ये बनाया है टमेटो का रोज और कुछ ऑनियन के छल्ले, तो उनसे इनको कर रही हूँ मैं प्रेजेंट। तो आप लोग भी इस तरीके से अगर प्रेजेंट करके बना के खाएंगे तो देख के ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और पानी के अलावा आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं आप। और अगर आपको ये जो मैंने गुलाब बनाया है ना टमाटर का, आपको अगर सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मैं आपको ज़रूर बनाना बताऊँगी। कमेंट में ज़रूर बताना, और जो वीडियो को ध्यान से सुनेगा बस वही कमेंट कर पाएगा।